नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रदीप स्वागत है आपका स्टडी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर भारत के भूगोल विषय की प्रश्न श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और इस प्रश्न श्रृंखला में हम देखेंगे कि जो भारत का प्राकृतिक विभाजन है उसके अंतर्गत जो तटीय भाग हैं उस पर हम चर्चा करेंगे यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं तटीय भाग को लेकर के भारत के समुद्री क्षेत्र को लेकर के और साथ ही साथ जो तटीय क्षेत्र में जो बंदरगाह स्थित हैं उन पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे जो भी तटीय क्षेत्र से संबंधित चीजें हों केवल दीपों को छोड़ करके जो द्वीप से संबंधित चीज़ें हैं आइलैंड से संबंधित चीज़ें हैं उनको वीडियो के अगले अंक में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर केवल तटीय क्षेत्र शहरों के बारे में भारत के समुद्री क्षेत्र के बारे में और जो बंदर का हैं उस पर चर्चा करेंगे वीडियो अगर आपको पसंद आता तो अपने साथियों से साझा करें साथ ही आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे आप हमसे फेसबुक ट्विटर और टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं सामान्य अध्ययन से संबंधित जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारी ब्लॉग साइट स्टडी सर्च पॉइंट को विजिट कर सकते हैं वीडियो में किसी भी तरह के सुधार को लेकर के वीडियो में किसी भी तरह की त्रुटि को लेकर के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियो के अंकों में हम सुधार करके बेहतर से बेहतर वीडियो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस प्रश्न श्रृंखला को पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है तो आपको बताना है कि भारत का औसत समुद्र तल किस तट से नापा जाता है ऑप्शन ए कलकत्ता से ऑप्शन बी कन्याकुमारी से ऑप्शन सी चेन्नई से ऑप्शन डी विशाखापट्टनम से तो किस जगह से भारत का समुद्र का जो औसत गहराई जो मापने का जो कार्य होता है या जो भी औसत ऊंचाई मापने का कार्य होता है जमीन स्तर पर तो वह किस तट से मापा जाता है ये आपको बताना है सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा चेन्नई से आपको ध्यान देना है यहाँ पर चेन्नई जो कि तमिलनाडु पर है ठीक है तो तमिलनाडु चेन्नई से जो है कि भारत का किसी भी क्षेत्र का औसत समुद्र तल नापा जाता है ठीक है चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है भारत का जो प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है वह आपसे पूछा जा रहा है ऑप्शन ए तट से चौ चौबीस समुद्री नॉटिकल मील तक होता है ऑप्शन बी तट से आठ समुद्री नॉटिकल मील होता है ऑप्शन सी तट से समुद्री नॉटिकल मील होता है ऑप्शन डी तट से बारह समुद्री नॉटिकल मील होता है तो आपको बताना है कि जो भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र है वह कितना इस कितने नॉटिकल मील तक कितने समुद्री नॉटिकल मील तक विस्तृत होता है सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा जो भी समुद्री दूरी होती है जैसे जमीनी स्तर पर दूरी को किलोमीटर में मापा जाता है तो वहीं पर जो है कि नॉटिकल मील में मापी जाती है समुद्री दूरी ठीक है तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना है जो भी समुद्री दूरी होती है वो नॉटिकल मील में यहाँ पर मापी जाती है मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको ध्यान देना है तो जो भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र है वह कितने नॉटिकल मील है बारह नॉटिकल मील है प्रादेशिक जल क्षेत्र जिसको कह सकते हैं कि क्षेत्रीय सागर भी इसको कहा जाता है क्या कहा जाता है क्षेत्र छे, क्षेत्रीय सागर पूछा जाएगा कि भारत का क्षेत्रीय सागर है, जो है कि कितने नॉटिकल मील तक विस्तृत है तो भारत का क्षेत्रीय सागर भी बारह समुद्री नॉटिकल मील तक विस्तृत है ठीक है कौन सा सागर है क्षेत्रीय सागर की बात हो रही है मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना है ठीक है चलिए देखिए अगर समुद्री क्षेत्र की अगर बात हो रही है यहां पर तो जो समुद्र से लगे हुए राज्य हैं उनकी अगर बात करेंगे तो आगे सारी चीजें यहां पर क्लियर होंगी ठीक है तो वैसे देखा जाए तो आगे प्रश्न नंबर आएगा वहां पर चर्चा करेंगे यहां पर अभी फिलहाल नहीं बताते हैं ठीक है तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है तट रेखा की कुल लंबाई आपको बताना है यानी कि यहाँ से गुजरात से लेकर के जो यहाँ पर तट रेखा की लंबाई है यहाँ पर आपको बताना है कि पश्चिम बंगाल तक के क्षेत्र तक जो है कि कितनी तट रेखा की लंबाई है भारत की ये आपको बताना है देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है लगभग में ये दिया गया है पिछहत्तर किलोमीटर में अठहत्तर किलोमीटर यहाँ पर एक अठहत्तर हो गया ये अठहत्तर किलोमीटर होगा सात हज़ार किलोमीटर में ऑप्शन डी बहत्तर सौ किलोमीटर में यानी कि ऑप्शन डी है सात हज़ार दो सौ किलोमीटर ऑप्शन सी है सात हज़ार किलोमीटर ऑप्शन बी है सात हज़ार आठ सौ किलोमीटर ऑप्शन ए है सात हज़ार पाँच सौ किलोमीटर तो लगभग मैं आपको बतानी है कि भारत के समुद्र की जो तट रेखा की जो लंबाई है गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक वह कितने किलोमीटर है सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा लगभग ये पिछहत्तर सौ किलोमीटर है यानी कि सात हजार पाँच सौ किलोमीटर है एग्जैक्ट अगर दूरी की बात करेंगे तो सात हजार पाँच सौ सोलह किलोमीटर के आसपास है ठीक है सात हजार पाँच सौ सोलह किलोमीटर की डिस्टेंस है भारत की पूर्व टोटल समुद्री क्षेत्र का जो डिस्टेंस है दूरी है तो गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक ठीक है चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है तो किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है ये पूछा जा रहा है ऑप्शन ए आपके सामने दिया गया है कि उड़ीसा राज्य का ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश राज्य का ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य का ऑप्शन डी महाराष्ट्र राज्य का तो इन चार राज्यों में से आपको बताना है किसका समुद्री तट सबसे लंबा है सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश का जो है कि समुद्री तट सबसे लंबा आता है पहले नंबर की अगर बात करेंगे तो गुजरात राज्य आता है कौन सा गुजरात राज्य यहाँ पर आता है सबसे पहले नंबर पर फिर उसके बाद जो है कि आपका आंध्र प्रदेश राज्य आता है उसके बाद हम देखते हैं कि तमिलनाडु राज्य यहाँ पर आता है ठीक है तमिलनाडु आता है उसके बाद हम देखते हैं कि महाराष्ट्र राज्य यहाँ पर आता है महाराष्ट्र राज्य आता है ठीक है तो ये जो शुरू के जो है कि चार राज्य हैं वो यहाँ पर आपको ध्यान देने हैं पहला जो आपका ध्यान देना है कौन सा राज्य है ये आपका आता है गुजरात राज्य दूसरे नंबर पर आपका जो है कि आता है आंध्र प्रदेश राज्य आता है ठीक है और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर तमिलनाडु राज्य आता है फिर उसके बाद जो है कि हम देखते हैं महाराष्ट्र राज्य आता है डिस्टेंस आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन आपकी एक बेसिक सी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ ठीक है नौ के नौ राज्यों को भी यहाँ पर मैं क्रम वाइज आपके सामने रखूँगा लेकिन जो शुरू के चार बड़े राज्य हैं जिनका समुद्र तट सबसे लंबा है उनके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं पहले तो गुजरात का जो समुद्र तट की जो लंबाई है लगभग बारह किलोमीटर के समथिंग है ठीक है बारह यानी कि एक किलोमीटर है उसके बाद दूसरा राज्य हमने बताया था आंध्र प्रदेश तो आंध्र प्रदेश का जो समुद्र तट की जो स है वो लगभग नौ किलोमीटर है ठीक है उसके बाद जो अगला राज्य हमने आपको बताया था तमिलनाडु ठीक है तमिलनाडु का जो समुद्र तट है वह लगभग नौ किलोमीटर का क्षेत्र है 906 किलोमीटर का उसके बाद जो महाराष्ट्र राज्य यहां पर आता है महाराष्ट्र राज्य ठीक है तो महाराष्ट्र का जो समुद्री सीमा है वह लगभग छह ठीक है छ किलोमीटर है ठीक है, है तो पहले नंबर पर गुजरात बारह चौदह आंध्र प्रदेश नौ तिहत्तर तमिलनाडु नब्बे छः या नौ ज़ीरो छः करके किसी भी तरह आप याद रख सकते हैं वैसे ये पूछा नहीं जाता है एक बेसिक सी जानकारी है और महाराष्ट्र का जो है कि वो छः सौ बावन है ठीक है तो अगर नौ के नौ जो राज्य हैं समुद्र तट से लगे हुए उनकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है पहले नंबर पर कौन सा आता है पहले नंबर पर गुजरात आता है फिर जो है कि आंध्र प्रदेश आता है ठीक है फिर उसके बाद हम देखते हैं कि तमिलनाडु आता है फिर महाराष्ट्र यहाँ पर आता है महाराष्ट्र के बाद हम केरल को देखते हैं केरल के बाद उड़ीसा यहाँ पर आता है उड़ीसा के बाद कर्नाटक आता है ठीक है और कर्नाटक के बाद यहाँ पर हम जो है कि पश्चिम बंगाल को देखते हैं पश्चिम बंगाल के बाद हम देखते हैं किसको गोवा को अंत में जो है कि गोवा की सीमा सबसे छोटी है और गोवा की जो सबसे छोटी सीमा है वो आपको यहाँ पर याद रखनी है लगभग ये एक सौ इक्यावन किलोमीटर है 151 कितनी है यानी कि एक सौ इक्यावन किलोमीटर गोवा की सीमा है समुद्र से लगी हुई ठीक है चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है भारत के कुल कितने राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तट रेखा से लगी हुई या समुद्र क्षेत्र से लगी हुई सीमा है भारत की कितने राज्य ऐसे हैं और कितने शासित प्रदेश हैं ऑप्शन ए आठ राज्य हैं चार शासित प्रदेश हैं ऑप्शन बी दस राज्य हैं तीन शासित प्रदेश हैं ऑप्शन सी छः राज्य हैं चार शासित प्रदेश हैं ऑप्शन डी नौ राज्य हैं तीन शासित प्रदेश हैं तो देखिए सही उत्तर की बात करेंगे राज्य के बारे में तो अभी हमने आपको बताया था कि नौ राज्य यहाँ पर है तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा और तो नौ कहीं है नहीं और तीन केंद्र शासित प्रदेश हैं तीन केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें अंडमान लक्षद्वीप दमन पांडिचेरी ठीक है और दमन द्वीप भी आ जाता है वैसे चार यहाँ पर होना चाहिए था ठीक है तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उस आधार पर यहाँ पर जो है कि वो थोड़ा सा गलत हो रखा है क्योंकि चार यहाँ पर होना चाहिए था ठीक है चार शासित प्रदेश मुख्य रूप से छूते हैं तट को जिसमें से देखते हैं कि द्वीप हो गया पांडिचेरी हो गया ठीक है और उसके बाद जो है कि यहाँ पर लक्षद्वीप हो गया और अंडमान हो गया ठीक है और सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है अगर पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट से सबसे ज़्यादा लगती है तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना अंडमान की सबसे ज़्यादा लगती है अंडमान की जो समुद्री तट रेखा की जो लंबाई है कुल दूरी की अगर बात करते हैं तो लगभग ये उन्नीस लगभग ये आपको ध्यान देना है लगभग जो है उन्नीस बासठ है ठीक है कितनी है उन्नीस बासठ है तो उन्नीस बासठ किलोमीटर जो है कि अंडमान निकोबार की जो है कि सबसे लंबी सीमा है गुजरात से भी ज़्यादा इसकी सीमा लगती है गुजरात की लगती है हमने आपको बताया था गुजरात की बारह चौदह हमने बताया था बारह चौदह हमने बताया था तो उन्नीस बासठ जो है कि किलोमीटर की जो सीमा लगती है वो समुद्र तट से लगी है क्योंकि एक द्वीपीय क्षेत्र है अंडमान निकोबार तो अंडमान में जो है कि कुल मिलाकर छोटे छोटे टापू और द्वीपों की संख्या अगर गिनेंगे तो पाँच सौ बहत्तर है और मुख्य रूप से जो है कि पाँच सौ दो सौ बाईस यहाँ पर द्वीप हैं ठीक है थीके? टोटल दो सौ बाईस द्वीप हैं छोटे मोटे टापू द्वीपों को गिला कर मिला करके अगर कुल द्वीप और टापुओं की संख्या अगर हमें बतानी हो अंडमान निकोबार में तो पाँच सौ बहत्तर होगी ठीक है और टोटल सीमा रेखा समुद्र से लगी हुई कितनी है उन्नीस uh, बासठ किलोमीटर है ठीक है चलिए और उसके बाद जो है कि लक्षद्वीप की लगती है ठीक है लक्षद्वीप की लगभग जो है कि एक सौ बत्तीस किलोमीटर लग लगभग लगती है ये एक सौ बत्तीस किलोमीटर की सीमा द्वीप से लगती है उसके बाद पांडिचेरी की यहाँ पर लगती है पांडिचेरी की लगभग लगती है तीस किलोमीटर और सबसे कम लगती है दमन द्वीप की लगती है कितनी दस किलोमीटर ठीक है दमन द्वीप की दस किलोमीटर पांडिचेरी की तीस किलोमीटर और लक्षद्वीप की जो है कि एक किलोमीटर ठीक है और जो है कि एक सोलह बासठ किलोमीटर आपकी लगती है अंडमान निकोबार की सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है ठीक है चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछे जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है ऑप्शन ए आपको बताना है क्षेत्रीय सागर बारह नॉटिकल मील होता है ऑप्शन बी समीपस्थ मंडल चौबीस नॉटिकल मील होता है ऑप्शन सी अन्यन आर्थिक जोन दो सौ समुद्री नॉटिकल मील होता है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं तो कौन सा कथन सही सुमिलित नहीं है इन तीनों में से आपको बताना है या ऑप्शन डी को सभी के सभी सही सुमिलित हैं देखिए सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है यहाँ पर सारे के सारे जो भी कथन दिए गए हैं वो सारे के सारे सही से मिलते हैं क्षेत्रीय सागर जो हमने आपको बताया था कि जो भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र होता है जिसे छेत्री सागर कहते हैं वह यहाँ पर बारह समुद्री नोटिकल मिल होता है इसमें सारे जो भी कार्य होते हैं जो क्षेत्र के जो देश की सीमा से लगा हुआ जो भी समुद्र का क्षेत्र होता है उसमें सारे के सारे अधिकार उसी देश के होते हैं समीपस्थ मंडल की बात करते हैं तो ये यहाँ पर जो है कि चौबीस समुद्री नोटिकल मिल होता है ठीक है और इसमें जिस भी देश से लगी हुई है ये सागर का क्षेत्र होता उस वह देश जो है कि यहाँ पर किसी भी तरह के ए, ए, कह सकते हैं कि वित्त अधिकार रखता है यानी कि जो भी कंटेनर जो भी जहाज यहाँ से गुजरते हैं इस चौ चौबीस समुद्री नोटिकल मील से उनसे टैक्स वसूल कर सकता है स, जो जिस भी देश से संबंधित या सीमा होती है ठीक है तो चौबीस समुद्री नोटिकल मील जो होता है वो यहाँ पर किसी भी तरह का आर्थिक कर यहाँ पर लगाया जा सकता है इसको जो है कि आर्थिक मंडल भी कहा जाता है ठीक है यहाँ पर किसी भी तरह का कर लगा सकता है ऐसा कह सकते हैं ठीक है यहाँ पर किसी भी तरह के वित्तीय शुल्क शुल्क वसूल कर सकता है कंटेनरों से जो भी जहाज वहाँ से गुजरते हैं अन्यन आर्थिक जोन की बात करते हैं अन्यन आर्थिक जोन जो है कि 200 समुद्री नॉटिकल मील होता है और यहाँ पर संबंधित देश को 200 समुद्री नॉटिकल मील के मध्य में संबंधित समुद्र जो देश होता है उसको किसी भी तरह के वैज्ञानिक अनुसंधान के कार्यों की छूट दी जाती है ठीक है तो वैज्ञानिक अनुसंधान का कार्य जो है वो समुद्र दो समुद्री नॉटिकल मील के मध्य यहाँ पर किसी भी क्षेत्र किसी भी देश को अधिकार दिया जाता है कि वो 200 समुद्री नॉटिकल मील के मध्य समुद्र में रिसर्च कर सकता है वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर तीन की तीन जो ये समुद्री नॉटिकल मील हैं ठीक है तो क्षेत्रीय सागर या जो है कि प्रादेशिक सागर बारह समुद्री नॉटिकल मील आर्थिक रूप से जो यहाँ पर कर वसूल कर सकता है शुल्क वित्तीय अधिकार वाला जो क्षेत्र होगा वो चौबीस नॉटिकल मील का होगा वैज्ञानिक अनुसंधान का जो क्षेत्र होगा वो दो सौ नोटिकल मील होगा ठीक है चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है यहाँ पर कुछ तटीय जो प्रमुख प्रसिद्ध प्रसिद्ध हालांकि ये थोड़ा सा एक उच्च स्तर का प्रश्न है जो प्रमुख प्रसिद्ध तटीय क्षेत्र हैं जो नगर हैं जो बंदरगाह हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है और उनको आपको उत्तर से दक्षिण दिशा में लगा

सिंधी सिंध दुर्ग आएगा फिर कन्नूर आएगा ऑप्शन डी पहले जो है कि यहाँ पर कौन सा आएगा नागर कोयल आएगा कन्नूर आएगा फिर सिंध दुर्गा आएगा फिर जंजीरा आएगा तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है ये आपको बताना है देखिए अगर सही उत्तर की यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पूछा था कि उत्तर से दक्षिण की दिशा में ठीक है उत्तर से दक्षिण की दिशा में तो इस आधार पर तो लगभग यहाँ पर जो ऑप्शन है वो यहाँ पर पूरी तरह से गलत दिया हो गया है एक उत्तर यहाँ पर सही बैठ रहा है ये लेकिन दक्षिण से उत्तर की दिशा में सही है ठीक है दक्षिण में सबसे लास्ट में जो है कि नागर कोइल आता है फिर जो है कि हम देखते हैं कि कन्नौर आता है फिर यहाँ पर जो है कि दुर्गा आता है फिर आता है जंजीरा आता है तो जंजीरा का जो क्षेत्र है सबसे ऊपर जो है कि जंजीरा आएगा महाराष्ट्र में है ठीक है रायगढ़ जो जिला है उसके अंतर्गत आता है जंजीरा फिर यहाँ पर जो है कि सिंधु दुर्ग आता है ये भी महाराष्ट्र में ही है ठीक है सिंधुदुर्ग जिला आपने सुना होगा महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग जिला भी पड़ता है तो उसी के अंतर्गत सिंधु दुर्ग आता है कन्नूर की बात होती है तो कन्नूर जो है कि केरल में आपने सुना होगा कन्नूर जिला भी है तो कन्नूर शहर भी है तो कन्नूर उसके बाद यहाँ पर आता है तीसरे नंबर पर और अंत में जो है कि जो नागर कोइली वाली जो जगह है वह तमिलनाडु में है कन्याकुमारी ज़िले में है आता है ठीक है नागर कोइल कहाँ पर कन्याकुमारी में तमिलनाडु में सबसे अंत में आता है तो सबसे पहले कौन सा आएगा जंजीरा आएगा फिर सिंधुदुर्ग आएगा फिर कन्नूर आएगा और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो है कि नागर कोयल आता है ठीक है स्पष्ट हो गया होगा इतनी सारी चीज बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं सुमिलित नहीं है ये आपको बताना है सही सुमिलित नहीं है ये आपको बताना है ऑप्शन ए है कोंकण तट जो है कि वो मुंबई से गोवा के मध्य है मालावार तट केरल और कर्नाटक के मध्य है कारोमंडल तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं तो क्या ये तीनों के तीन सही सुमेलित हैं या फिर कोई इनमें से गलत है ये आपको बताना है सही उत्तर की बात करेंगे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है सारे के सारे सही सुमिलते हैं जो कह सकते हैं कि जो आपका तट क्षेत्र है ठीक है उसको मुख्य रूप से अलग अलग भागों में बांटा जाता है जिसमें कि हम देखते हैं कि जो सबसे पहले जो तट कहलाता है ठीक है कोंकड़ तट यहाँ पर आता है जो कि महाराष्ट्र से गोवा के मध्य का क्षेत्र है कोंकण तट ठीक है महाराष्ट्र से गोवा के मध्य का क्षेत्र का कौन सा तट के नाम से जाना जाता है कोंकण तट जाना जाता है और उसके नीचे हम चलते हैं तो मालावार तट यहां पर आता है तो मालावार तट यहां पर हम देखते हैं मालावार तट आपका केरल और कर्नाटक के मध्य में आता है ठीक है केरल और कर्नाटक के मध्य कौन सा आता है मालावार तट आता है ठीक है और यहीं पर जो है कि कर्नाटक के क्षेत्र में कनारा या कन्नड़ तट भी है ठीक है कर्नाटक के क्षेत्र में जो है कि कनारा या कन्नड़ तट के नाम से भी कर्नाटक के तट को जाना जाता है कनारा या कन्नड़ के तट के, के नाम से कारोमंडल तट जो है कि वो आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कहाँ पर है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में यानी कि जो आपका कृष्णा नदी का क्षेत्र है कह सकते हैं कि उड़ीसा से लगा हुआ और कन्याकुमारी तट के क्षेत्र का जो भी ये तट है वो आपका कहलाता है कौन सा तट कारोमंडल तट कहलाता है ठीक है कोंकड़ तट महाराष्ट्र से मुंबई के मध्य का क्षेत्र कहलाता है आपका कोंकण तट और गुजरात का जो क्षेत्र का तट है उसको यहाँ पर मुख्य रूप से तीन भागों में यहाँ पर बांटते हैं एक तो जो है कि कच्छ का क्षेत्र आता है कच्छ का तट यहाँ पर कहलाता है दूसरा काठियावाड़ का तट यहाँ पर आता है ठीक है काठियावाड़ का और तीसरा जो भाग है वो आपका सौराष्ट्र का तट यहाँ पर आता है सौराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है ठीक है सौराष्ट्र काठियावाड़ और कच्छ तीन तटों में विभाजित किया जाता है गुजरात के तट को ठीक है कच्छ का तट सबसे पहले आता है जो कि पाकिस्तान से लगा हुआ क्षेत्र भी है और उसके बाद जो है कि काठियावाड़ का तट आता है जहाँ पर गिरी की पहाड़ गिरीना जो गिरी की पहाड़ियाँ हैं गिरी अभ्यारण्य है तो वाला क्षेत्र काठियावाड़ के फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो दमन द्वीप महाराष्ट्र से लगा हुआ जो क्षेत्र है वो दादर नगर हवेली वाला तो वो आपका आता है सौराष्ट्र के अंतर्गत ठीक है और दमन द्वीप जो वाला क्षेत्र है वो आपके यहाँ पर आता है ये काठियावाड के अंतर्गत ठीक है चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कृष्णा नदी के डेल्टा डेल्टा के केप कॉमेरिन ठीक है केप कॉमेरिन के मध्य स्थित तट को किस नाम से जाना जाता है यानी कि कृष्णा नदी के डेल्टा के क्षेत्र से लेकर के जो केप कॉमेरिन का क्षेत्र है वहाँ तक का जो मध्य का जो भाग है उसको किस तट के नाम से जाना जाता है ऑप्शन ए कोंकण तट से ऑप्शन बी उत्तरी सरकार तट के नाम से ऑप्शन सी कारोमंडल तट के नाम से ऑप्शन डी मालावार तट के नाम से सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा मालावार तट के नाम से जाना जाता है जो आपका कृष्णा नदी का क्षेत्र है कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र से लेकर के तमिलनाडु कन्याकुमारी उसी को यहाँ पर केप कॉमरीन कहा जाता है ठीक है केप कॉमेन किसको कहा जाता है कन्याकुमारी के पास जो स्थित एक क्षेत्र है उसको केप कॉमेरिन के नाम से जाना जाता है और कृष्णा नदी के पास में एक क्षेत्र स्थित है जिसका नाम कहा कहा जाता है फाल्स डी बी फाल्स डी बी ठीक है फाल्स डीबी बिंदु फाल्स डी बी बिंदु क्षेत्र जो है कि आपका आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के डेल्टाई क्षेत्र के पास स्थित है फाल्स डीबी और केप कॉमेरिन जो क्षेत्र है वो आपका कन्याकुमारी के क्षेत्र में स्थित है वहां से लेकर के पूरा का पूरा क्षेत्र जो है कि कारोमंडल तट यहाँ पर ये कहलाता है स्क्रीन पर आपको हम दिखाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कृष्णा नदी का क्षेत्र है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो क्षेत्र है ठीक है तो ये कहलाता आपका कारोमंडल तट और ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र ये उत्तरी सरकार तट कहलाता है उत्कल तट भी इसको कहा जाता है ठीक है उत्कल तट कह लें उत्तरी सरकार तट कह लें ठीक है तो ये आपको ध्यान देना महानदी से लेकर के जो यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में उड़ीसा के क्षेत्र में महानदी प्रवाहित होती है और यहाँ पर एक कृष्णा नदी है तो इनके मध्य का क्षेत्र क्या क्या किस नाम किस तट के नाम से जाना जाता है ये उत्तरी सरकार के तट के नाम से जाना जाता है ठीक है उत्तरी सरकार के तट के नाम से जाना जाता है ठीक है मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना है ठीक है और यहां पर जो ये वाला क्षेत्र का जो तट वाला भाग है तो आपको यहां पर ध्यान देना है मुंबई यहाँ पर है मुंबई से यहाँ पर जो है कि हम देखते हैं कि गोवा तक का ये वाला क्षेत्र ये वाला पूरा इतना जो क्षेत्र है ये ठीक है ये, ये कोंकड़ तट कहलाता है ये उत्तरी भाग है उत्तरी भाग किसका पश्चिमी तट का पश्चिमी तट को जो है कि तीन भागों में बांटा जाता है एक तो जो है कि ये उत्तरी भाग आपका कौन सा कहलाता है कोंकड़ तट कहलाता है मुंबई से गोवा का मध्य का जो भाग है वो कर्नाटक तट कहलाता है कर्नाटक या कनारा का तट कहलाता है ठीक है फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दक्षिण का जो भाग है वो मालावार तट कहलाता है यहाँ से लेकर के यहाँ का क्षेत्र ठीक है केरल से लेकर के जो आपका कर्नाटक का क्षेत्र है ठीक है केरल से कर्नाटक का क्षेत्र मालावार तट कहलाता है ठीक है और ये बीच में यहां पर जो कर्नाटक का क्षेत्र है यहाँ पर इसको एक अलग तट कि किस नाम से जाना जाता है कनारा का तट के नाम से इसको जाना जाता है या कर्नाटक का तट कहें या कनारा का तट कह लें ठीक है तो तीन भाग यहां पर विभाजित हो जाते हैं उत्तर का जो है कि कोंकड़ बीच का जो है कि कर्नाटक या कनारा और दक्षिण का जो है कि आपका मालावार तट ठीक है चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ अब यहाँ पर बंदरगाहों के बारे में जानकारी आती है पूछे जा रहा निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह राज्य राज स्थिति के अनुसार सही सुमेलित नहीं है कि कौन सा बंदरगाह राज्य में कौन से राज्य में स्थित है या नहीं है यह आपको बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है इसमें से ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में ऑप्शन बी पनाबूर बंदरगाह कर्नाटक में ऑप्शन सी एन्नौर बंदरगाह केरल में ऑप्शन डी पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में तो देखिए सही उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल ये गलत दिया गया है और क्योंकि जो एन्नौर बंदरगाह है वो आपका केरल में ना होकर के तमिलनाडु में है कहाँ पर है तमिलनाडु में ये बंदरगाह है ठीक है इन्नौर बंदरगाह कहाँ पर है तमिलनाडु में है तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है जो गलत दिया गया है जो कि पानाबूर बंदरगाह है ठीक है पानाबूर बंदरगाह और पानाबूर बंदरगाह को आपको यहाँ पर जो है कि ध्यान देना है इसको कहा जाता है न्यू मंगलौर मैंगलोर बंदरगाह ठीक है न्यू मैंगलोर बंदरगाह के नाम से इसको जाना जाता है पानाबूर बंदरगाह को ठीक है पानाबूर बंदरगाह को न्यू मैंगलोर बंदरगाह के नाम से जाना जाता है जो कि कर्नाटक में है न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है कर्नाटक में इसको जो है कि पानाबूर बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है महाराष्ट्र में जो कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है और इसको एक नाम और से जाना जाता है जिसका नाम है नहवा सेवा ठीक है नहवा सेवा नहवा सेवा बंदरगाह को ही जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है जो कि महाराष्ट्र में है और सबसे बड़ा यह कह सकते हैं कि एक कृत्रिम बंदरगाह है ठीक है सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है तो यही जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है नहवा सेवा बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है कृत्रिम बंदरगाह की बात हो रही है ठीक है चलिए पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है बिल्कुल सही है बढ़ेंगे ग्यारहवें प्रश्न की तरफ ग्यारह प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पहला निगम आधारित यानी कि कारपोरेट बंदरगाह है तो बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पहला निगम पर आधारित यानी कि जो कारपोरेट प्राइवेट पर आधारित प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजी निजी क्षेत्र पर आधारित जो है कि बंदरगाह आ रहा है ऑप्शन ए हल्दिया बंदरगाह ऑप्शन बी चेन्नई बंदरगाह ऑप्शन सी एन्नौर बंदरगाह ऑप्शन डी कांडला बंदरगाह तो इनमें से आपको सही उत्तर बताना है कि कौन सा बंदरगाह जो है कि पहला जो है कि कार्पोरेट यानी कि निजी स्वायत्त पर आधारित बंदरगाह बनाया गया है सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी सही होगा एन्नौर बंदरगाह इन्नौर बंदरगाह जैसा कि हमने आपको बताया था तमिलनाडु में है और तमिलनाडु में ही जो एन्नौर बंदरगाह है वही पहला निगम आधारित यानी कि कारपोरेट आधारित बंदरगाह बना है पहला भारत का निगम आधारित बंदरगाह बना है कारपोरेट आधारित बंदरगाह बना है एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में है मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना है स्थिति यहाँ पर आप मानचित्र में देख सकते हैं एन्नौर बंदरगाह की चेन्नई से ऊपर ठीक है चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ बारहवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह के रूप में जाना जाता है तो सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह के रूप में कौन सा बंदरगाह जाना जाता है ऑप्शन ए न्यू मैंगलोर बंदरगाह जिसको हमने अभी आपको बताया था कि पनाबूर बंदरगाह भी कहा जाता है पनाबूर या पनाबूर बंदरगाह भी कहा जाता है न्यू मैंगलोर बंदरगाह ठीक है जो कि कहाँ पर है केरल कर्नाटक में है ठीक है उसके बाद जो है कि कोच्ची बंदरगाह ठीक है कोच्ची बंदरगाह कहां पर है केरल में है ठीक है कांडला बंदरगाह कांडला बंदरगाह कहा पर है गुजरात में है ऑप्शन डी जो है वो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तो कौन सा बंदरगाह सबसे बड़ा कंटेनर बं, बंदरगाह है इन चारों में से सही उत्तर की बात करेंगे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जिसको हमने आपको बताया था कि नाहवा सेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है नाहवा सेवा बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र में है सबसे बड़ा ये आप कह सकते हैं कि कृत्रिम बंदरगाह भी है और सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट या सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह के रूप में जाना जाता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नाहवा सेवा बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र में है ठीक है यहीं पर मुंबई पोर्ट भी है मुंबई बंदरगाह मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है ठीक है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह पूछा जाएगा कौन सा है तो मुंबई में है ठीक है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई में महाराष्ट्र में स्थित है और कांडला बंदरगाह की बात कर चुके हैं कि ये गुजरात में है और कांडला बंदरगाह की एक खास बात है कि सबसे व्यस्ततम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है कांडला बंदरगाह और ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है ठीक है कांडला बंदरगाह कहाँ है कच्छ की खाड़ी में है गुजरात में कोचीन बंदरगाह आपको ध्यान देना है कि तो कोचीन बंदरगाह जो है वो आपका कह सकते हैं कि ये केरल में है और कोच्ची बंदरगाह को पूर्व का सर्वश्रेष्ठ प्राक बंदरगाह कहा जाता है और ये ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है ठीक तो है तो प्राकृतिक बंदरगाह है पूर्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह कहा जाता है कोची बंदरगाह को और कोची बंदरगाह आपको ध्यान देना है कहाँ पर बेमानाड बेमनाड जो झील है बेमनाड ठीक है बेमनाड झील कहाँ पर है तो बेमनाड झील केरल में है ना तो बेमनाड झील में ठीक है बेमनाड झील पर ये स्थित है ठीक है बेमनाड झील जहाँ पर है उसी के पास में ये स्थित है कौन सा बंदरगाह कोची बंदरगाह न्यू मैंगलोर बंदरगाह बता चुके हैं इससे पहले भी जो ये भी आपके जो है कि कर्नाटक के क्षेत्र में है जिसको जो है कि पानबूर पोर्ट के नाम से या पानबूर बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है तेरहवें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तेरहवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक एवं सबसे गहरा बंदरगाह है तो प्राकृतिक एवं सबसे गहरा बंदरगाह यहाँ पर पूछा गया है ऑप्शन ए कोची बंदरगाह ऑप्शन बी मुर्मू गोवा बंदरगाह ऑप्शन सी विजांग बंदरगाह ऑप्शन डी मुंबई बंदरगाह तो कौन सा बंदरगाह सबसे गहरा है और प्राकृतिक है सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है विजयांग बंदरगाह तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर आपको ध्यान देना जो विजयांग बंदरगाह है वो सबसे बड़ा कह सकते हैं कि सबसे गहरा ये प्राकृतिक बंदरगाह है बड़ा बंदरगाह की बात होगी तो मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा होगा प्राकृतिक तौर पर पूछा जाएगा सबसे प्राकृतिक तौर पर गहरा बंदरगाह कौन सा है तो ये विजयांग बंदरगाह है जिसको आपको ध्यान देना है इसी बंदरगाह को क्या कहा जाता है इसी बंदरगाह को कहा जाता है विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह है ठीक है कौन सा बंदरगाह विशाखापट्टनम का बंदरगाह ठीक है विशाखापट्टनम का बंदरगाह है ये विजयांग बंदरगाह ठीक है तो विशाखापट्टनम का बंदरगाह या विजयांग बंदरगाह कहाँ पर है स्थिति अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर विशाखापत्नम जो बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में है और इसी को जो है कि क्या कहा जाता है वी जांग बंदरगाह के नाम से भी इसी को जाना जाता है जो कि सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है ठीक है बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ अगला जो बंदरगाह मुंबई बता चुके हैं कि सबसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक तौर से सबसे बड़ा बंदरगाह है ठीक है और उसके अलावा यहाँ पर मुर्मू गोवा बंदरगाह कहाँ पर है ये गोवा में है बहुत बार इस परीक्षा में पूछा भी गया है मुर्मू गोवा बंदरगाह कहाँ पर है तो ये आपके कहाँ पर है गोवा में है और गोवा में आपको ध्यान देना है मुर्मू गोवा बंदरगाह और जो कि जुआरी नदी है कौन सी नदी है जु आरी जुआरी नदी है उसी नदी के मुहाने पर है ठीक है मुर्मू गोवा बंदरगाह मुर्मू गोवा बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है किस नदी के मोहाने पर स्थित है तो जुआरी नदी के तट पर स्थित है मुर्मु गोवा बंदरगाह ठीक है कोची बंदरगाह बताने की बार बार जरूरत नहीं है केरल में है बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ चौदवा प्रश्न आपके पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमिलित नहीं है सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है ऑप्शन ए यहाँ पर एक तरफ कुछ जानकारी दी गई है दूसरी तरफ जो है कि उसके बारे में आपको मैचिंग करनी है ठीक है एक तरफ बीच दिए गए हैं जो कि समुद्र तट के क्षेत्र में है पर्यटन स्थल के तौर पर जो जाने जाते हैं मरीना बीच आंध्र प्रदेश में है और कलागुट बीच जो है वो आपका गोवा में है दीघा बीच पश्चिम बंगाल में है गोपालपुर बीच जो है कि आपका उड़ीसा में है तो कौन सा सुमेलित नहीं है इन चारों में से आए आपको बताना है सही उत्तर की बात करेंगे तो मरीना बीच जो है वो आंध्र प्रदेश में नहीं है जो कि गलत है मरीना बीच आपको ध्यान देना तमिलनाडु में कहां पर है तमिलनाडु में है मरीना बीच तो मरीना बीच आपके तमिलनाडु में है और कलागुट जो बीच है ठीक है कलागुट जो बीच है वह आपका गोवा में है कहाँ पर है कला कलागुड बीच जो है वो आपका गोवा में है दीघा बीच पश्चिम बंगाल में है मोस्ट इंपॉर्टेंट है दीघा बीच और गोपालपुर जो बीच है वो आपके उड़ीसा राज्य उड़ीसा राज्य में है ठीक है तो इतनी चीज यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गई होंगी बढ़ेंगे आखिरी प्रश्न की तरफ इस प्रश्न श्रृंखला का पंद्रहवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ऑप्शन ए पश्चिमी तट को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है पश्चिमी तट को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है और पश्चिमी तट की जो चौड़ाई है वो पचास किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है जबकि पूर्वी तट की जो यहाँ पर चौड़ाई देखने को मिलती है हमें एक सौ बीस किलोमीटर के क्षेत्र में इस इसकी चौड़ाई है यानी कि एक सौ बीस किलोमीटर की एरिया में पश्चिमी आपका पूर्वी तट विस्तृत है महाद्वीपीय जो किनारे हैं यानी कि कह सकते हैं कि जो सागर की गहराई की ओर क्रम से जब हम बढ़ते हैं सागर की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले महाद्वीपीय मग्न तट आता है फिर जो है कि महाद्वीपीय मग्न ढाल आती है का विस्तार हमें देखने को मिलता है ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई भी नहीं तो देखिए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन ई है कोई सा भी कथन यहाँ पर गलत नहीं दिया गया है जो आपका पश्चिमी तट है पश्चिमी तट को तीन भागों में बांटा जा सकता है हमने आपको बताया था कि उत्तरी भाग को जो है कि कोंक किस नाम से कोंकण तट के नाम से जाना जाता है मुंबई महाराष्ट्र और गोवा तक जिसका विस्तार है और मध्य भाग को कनारा का तट कर्नाटक का तट कहा जाता है दक्षिणी भाग को मालावार का तट के नाम से जाना जाता है ठीक है कहाँ पर है कर्नाटक और केरल के क्षेत्र में मालावार का तट विस्तृत है उसके बाद पश्चिमी तट की जो चौड़ाई है जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है जो मैदानी क्षेत्र है पश्चिमी तट यानी कि सुमद्र तट से लेकर के जो आपका पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ सहयात्री पर्वत श्रृंखलाएँ हैं पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रृंखलाएँ वहाँ तक की जो इसकी चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर है बिल्कुल सही है और जो पूर्वी घाट है पूर्वी घाट यानी कि जो नल्ला मल्ला पर्वत श्रृंखलाएँ हैं और साथ ही हम देखते हैं कि जो अन्य पर्वत श्रृंखलाएँ यहां पर हैं तो उनका और समुद्र तट से लेकर के नल्ला मल्ला पर्वत श्रृंखलाओं तक का जो विस्तार है जो चौड़ाई यहाँ पर है वो एक किलोमीटर है सागर क्षेत्र से लेकर के पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की जो पर्वत नल्ला मल्ला पर्वत श्रृंखला हो गई महेंद्रगिरी हो गया मलयागिर हो गई ये सारी की जो पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ तक का जो विस्तार है समुद्र तट से वो 120 किलोमीटर है बिल्कुल ठीक है अगर हम महाद्वीप यानी कि जो भारत का समुद्री तट है उससे अगर हम सागर की तरफ बढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले महाद्वीपीय मग्न तट की मग्न तट हमें मिलेगा जब महासागर सागरों को हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे कि क्या कहाँ पर महाद्वीपीय मग्न तट होता है महाद्वीपीय मग्न ढाल क्या होती है ठीक है और साथ ही साथ जो है कि जो महासागरी लवणता की जो, जो समरेखा होती है वो कहाँ पर होती है समुद्री प्रदूषण क्षेत्र किस तरह से नापा जाता है क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होती है महासागरी गहराई किस तरह से महासागरी गर्त कहाँ पर होते हैं तो ये सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे देखिए सबसे पहले जो आता है वो महादीपी मग्न तट आता है महादीपी मग्न तट के बाद जो है कि महादीपी मग्न ढाल आती है महादीपी मग्न ढाल के बाद हम देखते हैं जो गहरा सागरी मैदान आता है ठीक है गहरा सागरी मैदान आता है गहरा सागरी मैदान के बाद हम देखते हैं सागरी गर्त आता है ठीक है जो भी गर्त यहाँ पर हैं जैसे कि आप देखें बहुत सारे जो गर्त यहाँ पर देखने को मिलते हैं ठीक है समुद्र में भी जो गहराई वाले क्षेत्र हैं तो उन उनकी बात यहाँ पर होती है तो अंत में जा कर के महासागरी गर्त आते हैं महासागरी गर्त से पहले महासागरी मैदान आते हैं गहरा जो मैदानी क्षेत्र है उससे पहले जो है कि महाद्वीपीय मग्न ढाल आती है महाद्वीपीय मग्न ढाल से पहले महाद्वीपीय मग्न तट आता है ठीक है तो ये सारी चीज़ें हमने कोशिश करी यहाँ पर आपके सामने रखने की जो भी चीज़ें यहाँ पर बंदरगाहों से संबंधित थी और साथ ही जो समुद्री तट से चीज़ें थी वो यहाँ पर हमने रखी उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी चलते चलते देखते हैं कुछ प्रमुख जो हमारे राज्य हैं उन राज्यों में जो है कि जो भी यहाँ पर प्रमुख तौर से कह सकते हैं कि जो आपके जो बंदरगाह हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं देखिए गुजरात में जो आपको बंदरगाह है यहाँ पर याद रखने है। गुजरात में एक तो कांडला बंदरगाह आपको याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है और सबसे अमीर बंदरगाह है पूछा जाएगा सबसे अमीर बंदरगाह भारत का कौन सा है या सबसे व्यस्ततम बंदरगाह भारत का कौन सा है तो कांडला बंदरगाह है गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है ठीक है महाराष्ट्र के क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र में आपको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कह लें या फिर इसको कह लेते हैं नाहवा सेवा बंदरगाह अकेले नाहवा सेवा बंदरगाह अकेले महाराष्ट्र के क्षेत्र में ठीक है तो यहाँ पर ये वाला बंदरगाह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मुंबई बंदरगाह तो आप सीधे से जाने जाएंगे नाम से जो कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और सबसे बड़ा कंटेनर वाला बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह जो है वो आपका है जो है जवाहरलाल नेहरू या फिर नहवा सेवा बंदरगाह ठीक है कर्नाटक के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं और नहवा सेवा के बंदरगाह के बारे में एक और चीज यहाँ पर छूट रही है इसको अरब सागर का ठीक है अरब सागर का राजा कहा जाता है किस बंदरगाह को अरब सागर का राजा कहा जाता है तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को या नाहवा सेवा बंदरगाह को अरब सागर का राजा कहा जाता है कर्नाटक के क्षेत्र की बात करेंगे कर्नाटक में जो बंदरगाह है कोच्ची बंदरगाह है और कोचीन बंदरगाह है ठीक है कोच्ची और कोचीन अलग अलग है तो ये आपको ध्यान देना है कोची बंदरगाह कोचीन बंदरगाह कोची बंदरगाह पूर्व का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह के नाम से ये जाना जाता है ठीक है और इसको यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है ये भी और बेम बेम्बेम्बनाड ठीक है बेम्बनाड बेम्बनाड झील के पास में ये स्थित है ठीक है और कोचीन बंदरगाह जो है वो वेलिंगटन तथा जो वल्लाव पदम द्वीप है ठीक है वल्लार पदम कौन सा द्वीप है एक तो वे लिंगटन वेलिंगटन और कौन सा दूसरा है वल्लार वल्लार पदम ठीक है वल्लार पदम द्वीप इन दो द्वीपों के मध्य स्थित है कोचीन बंदरगाह ठीक है वेलिंगटन और वल्लार पदम द्वीपों के मध्य है आपका कौन सा कोची बंदरगाह तमिलनाडु के क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो तमिलनाडु के क्षेत्र में आपको यहाँ पर ध्यान देना है जो प्रमुख द्वीप यहाँ पर है महाराष्ट्र के क्षेत्र में एक और द्वीप आपको ध्यान एक और बंदरगाह ध्यान देना जंजीरा बंदरगाह ठीक है गोवा के क्षेत्र में एक और बंदरगाह जो बंदरगाह तो नहीं है ये कालाकुट ये पुलिन है बीच यहाँ पर है ठीक है बंदरगाह भी इसको कह सकते हैं केरल के कर्नाटक के क्षेत्र में उडप्पी बंदरगाह है ठीक है उडप्पी बंदरगाह कर्नाटक के क्षेत्र में और कर्नाटक के क्षेत्र में उडप्पी बंदरगाह के अलावा एक न्यू मैंगलोर बंदरगाह है ठीक है न्यू मैंगलोर बंदरगाह न्यू मैंगलोर बंदरगाह को ही कहा जाता है पनाबुर बंदरगाह ठीक है पनाबुर या पनाबुर बंदरगाह न्यू मैंगलोर बंदरगाह को ही कहा जाता है कर्नाटक में है ठीक है तमिलनाडु में जो बंदरगाह है यहाँ पर है आपको ध्यान देना है कन्याकुमारी तूती तोती बंदरगाह ठीक है तूती कोनूर को कोरिन तूती जो बंदरगाह है वो इसको जो है कि कहा जाता है बी ओ चिदम्बरम बी ओ चिदम्बरम बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है ठीक है बी ओ चिदम्बरम बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है और यह सबसे बड़ा यानी कि दूसरा बड़ा बंदरगाह है जो कि सबसे बड़ा तो मुंबई था दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है तूती कोनीर ठीक है तूती कोनीर बंदरगाह दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है ठीक है चेन्नई बंदरगाह की होती है तो चेन्नई बंदरगाह तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है ठीक है तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह और कंटेनर में भी ये तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है ठीक है कंटेनर में पहला बंदरगाह सबसे बड़ा कौन सा था तो ये जवाहरलाल नेहरू सबसे बड़ा बंदरगाह था जो कि नन नहवा सेवा बंदरगाह था और तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह कंटेनर में ठीक है इन्नौर बंदरगाह है तमिलनाडु में इन्नौर बंदरगाह पहला जो है कि कारपोरेट यानी कि निजी आधार पर दिया गया जो है कि एक बंदरगाह है बनाया गया बंदरगाह है ठीक है ये आपको ध्यान देना है ठीक है एक और बंदरगाह यहाँ पर है ओरीविले ठीक है ओरीविले बंदरगाह भी आपका कहां पर है तमिलनाडु में है ठीक है ओरीविले बंदरगाह मोस्ट इंपोर्टेंट है आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम जिसको हमने बोला था विजांग बंदरगाह विजांग बंदरगाह या विशाखापट्टनम सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है ठीक है बड़ा नहीं है सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है बड़ा मुंबई है आपको ध्यान देना है प्राकृतिक है ठीक है चलिए और उड़ीसा की अगर बात करते हैं तो पारदीप बंदरगाह यहाँ पर है और पारदीप बंदरगाह हम देखते हैं और पारदीप जो बंदरगाह है उसकी एक अपनी रेल प्रणाली है यह अपनी रेल प्रणाली के लिए जाना जाता है पारदीप बंदरगाह महानदी के पास ही स्थित है पारदीप बंदरगाह ठीक है महानदी के मुहाने पर है अपनी रेल प्रणाली इसकी एक अपनी रेल प्रणाली है जिससे जो कि जो भी माल होता है जो भी आयात निर्यात होता है उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ठीक है और पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में यहाँ पर कौन सा बंदरगाह हल्दिया बंदरगाह है हल्दिया बंदरगाह जो कि वो भारतीय तट रक्षक का आधार है पूछा जाएगा कौन सा बंदरगाह भारतीय तट रक्षक का आधार है तो हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में भारतीय तट रक्षक का आधार है हल्दिया बंदरगाह मोस्ट इंपोर्टेंट है ठीक है गोवा के क्षेत्र में एक बंदरगाह जो मोस्ट इंपोर्टेंट था बता चुके हैं मुर्मू गोवा बंदर गाओ बंदर का जो कि जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है ठीक है पश्चिमी घाट जो तट था पश्चिमी तट जो ये समुद्री तट है इसकी जो है कि पचास किलोमीटर इसकी चौड़ाई है ऐसे और जो पूर्वी तट है पूर्वी तट की जो इस तरह जो चौड़ाई है वो एक सौ बीस किलोमीटर की चौड़ाई का क्षेत्र है ठीक है तो उम्मीद है सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आप बेहतर से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी यहाँ पर हमने आपके सामने रखने की कोशिश करी थी ठीक है और जो कांडला बंदरगाह यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कांडला बंदरगाह यहाँ पर है कच्छ के रन में ठीक है तो चलिए मिलेंगे वीडियो के अगले अगले क्रम में और वीडियो पसंद आया तो अपने साथियों से साझा करें साथ ही वीडियो के संबंध संदर, संदर्भ में किसी भी तरह के सुधार को लेकर के सुझाव हूँ त्रुटि में किसी भी तरह की त्रुटि नज़र आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें ताकि हम आने वाले वीडियो के अंकों में सुधार कर सकें और इसी उम्मीद के साथ कि अपनी तैयारी को आप जारी रखेंगे और जो भी आपके आसपास के लोग हैं अभी इस नोवल कोरोना वायरस से जो संघर्ष कर रहे हैं उनकी आप मदद करेंगे आप वहाँ पर ध्यान नहीं देंगे अपने अपनों का ध्यान रखेंगे एक समझदार नागरिक की तरह अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखेंगे इसी उम्मीद के साथ कि अपने अपनों का ध्यान रखें स्वस्थ रहें मस्त रहें जल्द से जल्द सारे से सारी चीज़ें बेहतर से बेहतर होती चली जाएँ इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे अपने अगले वीडियो के अंक में जय हिंद जय भारत